मंदिर के चक्कर में आपने मुझे लेट कर दिया है। आपको पता नहीं था मेरा फेस्ट है, आपको मंदिर जाके टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? वो हमें बस मंदिर में दूध चढ़ाना था, बस वही करके आए हैं। टाइम तो वेस्ट किया ही किया, साथ में दूध भी वेस्ट करके आए हो जी। इससे बढ़िया तो आप किसी गरीब बच्चे को यह दूध दे दो, कम से कम उसका ही भला हो जाएगा। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम वहीं अटके हैं। हाँ यार आ रही हूँ, काका मंदिर गए थे दूध चढ़ाने के लिए। ये लोग ना कितने भी मॉडर्न लोगों के साथ रहेंगे लेकिन गवारी। आ रही हूँ तो रख, चलो अब मुझे लेट हो रहा है। क्या बोला मैडम आपने, कंवार? क्या पढ़ा लिखा होना और पार्टियों में जाना ही मॉडर्न होने की निशानी है? मंदिर जाने से आदमी गंवार हो जाता है? पता ही नहीं मैडम, आजकल लोग पढ़ लिख कर सबसे पहले अपने संस्कार और परंपरा को क्यों भूलते जा रहे हैं। ये 30-40 रुपए का दूध जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं, आपको गरीब याद आने लगते हैं। अगर आपको गरीबों की इतनी चिंता है ना, तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो खाने की बर्बादी करके आते हैं ना, पहले उसे देखिए। होली में आपको पानी बर्बाद होता दिखने लगता है, दिवाली में आपको प्रदूषण होता दिखने लगता है, और दिन भर ये बड़े बड़े कमरों में एसी चलते हैं, इससे प्रदूषण नहीं होता, इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। जरा जरा सी दूरी के लिए हम गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं, उसके धुएं से प्रदूषण नहीं होता। अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे देश में परंपराएं हैं, संस्कार हैं, त्योहार हैं। ये त्योहार बस यूं ही नहीं है, इन त्योहार के हजारों मतलब हैं। ये त्योहार हमें एक करके रखते हैं। आज आप जैसी पीढ़ी जरा सी अंग्रेजी पढ़कर पश्चिम की दिशा में भाग रही है, जरा खुद सोचिए। विदेशों से लोग यहां आकर योग सीख रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, शांति की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के बच्चे रील बना रहे हैं। आप लोग मंदिर जाते हैं लेकिन वीडियोस बनाने के लिए जाते हैं, इसीलिए केदारनाथ धाम में ये सब बंद करवा दिया गया। और जानते हैं इससे क्या हुआ है? कई लोगों ने अपनी यात्राएं कैंसिल कर दी, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करने नहीं जा रहे थे, रील बनाने जा रहे थे। हमारे त्योहार हमारी आस्था है, मॉडर्न होना गुनाह नहीं है, लेकिन मॉडर्न होने की आड़ में अपनी आस्थाओं को गाली देना ये गुनाह है। आप अपने मॉडर्न होने को अपने साथ रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी आस्था पर चोट मत करिए। जब हम दुख में होते हैं ना, तो एक बार हर हर महादेव बोलते हैं और महादेव हमारे दुख हर लेते हैं, और अगर नहीं भी हरते ना, तो हमें इतनी शक्ति दे देते हैं कि हम अपनी परेशानियों से लड़ सकें। नौकरियां तो हमें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन महादेव एक ही हैं कि पढ़ लिख कर पश्चिम की दिशा में भागने से अच्छा ये सोचिए कि आज पश्चिम हमारे देश की तरफ आ रहा है। और एक छोटी सी बात और कहूंगा मैडम, गरीब को भीख मत दीजिए, उसे रोजगार दीजिए। इतनी सारी चीजें ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं, फालतू का डिलीवरी चार्ज भी देते हैं, वही सब चीजें मंडी में और मार्केट में कई गरीब बेच रहे हैं, उनका रोजगार बढ़ाइए, घर से बाहर निकलिए, उनसे डायरेक्ट वो सामान खरीदिए। ये है गरीब की चिंता। हर चीज में हमारे त्योहार और हमारी आस्था को मत लेके आइए, और कितने भी मॉडर्न हो जाइए, ये देश आस्था और विश्वास का है।